नमस्कार, मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल। आ गया हूं जी फिर से लेके एक बहुत बढ़िया रेसिपी, चिकन टिक्का मसाला। मेरा रेसिपी की भी तैयारी पूरी है। अब ये रेसिपी जो है ना, इंग्लैंड वाले और हिंदुस्तान वालों के बीच में एक लड़ाई सी चालू रहती है। वो कहते हैं इंग्लैंड वाले कि हमारे यहाँ इसका जन्म हुआ, हम कहते हैं नहीं भाई, चिकन टिक्का मसाला है तो हिंदुस्तानी है। लेकिन दोनों का तरीका बहुत अलग है और मेरा अंदाज जो है वो सबसे निराला है। सबसे पहले क्या करना है, चिकन लेके चिकन को मैरिनेट करना है। तो उसके लिए मैं चिकन काट लेता हूँ। चिकन ब्रेस्ट बोनलेस लेना है आपने, ठीक है जी। ये लीजिए, मैंने लगभग आधा किलो चिकन ब्रेस्ट बोनलेस लिया है। तो चिकन टिक्का के लिए टिक्का के साइज के पीसेस हम काट लेंगे। ये लीजिए, तो जी चिकन काट लिया। पहली बात ये, अब इसमें क्या करेंगे, अदरक लहसुन एक बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर ये लीजिए 1.5 टीस्पून। अच्छा, इसमें मैं फर्स्ट मैरिनेट सेकंड मैरिनेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिंपल स्टोरी है, ये बड़ा क्लियर है, चिकन टिक्का मसाला है तो चिकन टिक्का को मैरिनेट करके रख दें, तब तक दूसरी तैयारी करेंगे। नींबू का रस, एक नींबू का रस डालें। नमक लेते हैं, स्पाइस स्वर्ल है, यानी कि हिंदी में बोलूं तो मसाला दानी, स्पाइस स्वर्ल मतलब ये घूमती है, ये देखिए आसानी से। तो आपको जैसे जो मसाला चाहिए वो निकालिए और यूज़ करिए। ये हो गया सब कुछ। थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें डाल लेते हैं, एक छोटा चम्मच। ब्लैक पेपर ये भी एक छोटा चम्मच डाल लेते हैं, और धनिया पाउडर एक चम्मच छोटा वाला डाल लेते हैं। ये मैं देख रहा हूँ आजकल कुछ नए शेफ्स हैं, यंगस्टर्स वो यूज़ करते हैं, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। चलिए ये डाल लिया, चिकन को इसमें डाल लेते हैं। इसके साथ साथ दही डालेंगे थोड़ा सा। अब ये सब तो डाल लिया हमने, लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे डालनी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या। सबसे पहले नॉन स्टिक कुकवेयर लेता हूँ, वज्रा सीरीज के, ये डाई कास्टेड नॉन स्टिक कुकवेयर है, 5 लेयर की कोटिंग है। फिनिश देखिए कितनी सुंदर है, इसका वुडन फिनिश वाला हैंडल जिसकी ग्रिप बहुत ही बेहतरीन है, पैन जो है दिखने में बहुत बेहतरीन लगता है। तो इसमें मैं तेल ले लेता हूँ एक बड़ा चम्मच। इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, आधा छोटा चम्मच, यही स्पाइस स्वर्ल से निकाल ली। अब तेल और अजवाइन को थोड़ा सा भूनेंगे। ये जो पैन्स भी हैं, ये इंडक्शन में चलाइए, गैस पे चलाइए, हीटर पे चलाइए। तो अजवाइन जैसे ही भून जाती है, एक बड़ा चम्मच बेसन का डाल लेता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं जब भी कबाब बनाता हूँ कोशिश यही करता हूँ कि ये स्टेप मिस ना करूँ। बेसन को भूनेंगे, क्वांटिटी कम है इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पे इंडक्शन बंद कर लेता हूँ वरना मेरा बेसन जल जाएगा। जितनी गर्माहट है उतने में बेसन पक जाए बिल्कुल। आह क्या खुशबू आती है, देखिए बढ़िया, जब बढ़िया सी एक नटी खुशबू मतलब बादामी खुशबू आए ना, तो इसको निकाल लें, ठीक है। निकाल के इसको थोड़ी देर इस तरह से भून लें, भूनते रहें। जैसे ही आपको लगे कि नहीं अब ये ब्राउन होने लगे, और इसमें सीधे डाल दीजिए। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप, 1.5 बड़ा चम्मच सरसों का तेल कच्चा, ये लीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्टेप है। फाइनली इसमें गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, थोड़ी सी खटास होनी चाहिए, चेक कर लें, नींबू तो हमने डाला ही था। ये लीजिए, मैं मसल रहा हूँ इसको अच्छे से। ये रहा हमारा मैरिनेट तैयार। अब इसको 20-25 मिनट के लिए अलग रखेंगे, फिर ग्रिल करेंगे। तब तक मैं टिक्का मसाला की ग्रेवी की तैयारी कर लेता हूँ उसके लिए। अब कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं, रेगुलर कुकिंग ऑयल लीजिए, ये लीजिए 3-4 बड़े चम्मच तेल के डाल लें। 1 छोटा चम्मच जीरा, जीरा भूनते ही इसमें प्याज डालें, ये लीजिए प्याज जो है मुझे ब्राउन करना है। जीरा 1 छोटा चम्मच, प्याज कम से कम 2 बड़े वाले लें,
चॉप कर लें और इसको भूने अच्छे से, ब्राउन करें, ठीक है। तो समय लगेगा, कम से कम 5-6 मिनट लग जाएंगे। घर पे आप गैस पे अगर यूज़ कर रहे हैं ये कढ़ाई को, बिल्कुल चलती है, तो आप जो है हाई फ्लेम पे करिए और चलाते रहिएगा। चलिए, प्याज जो है वो हल्के से ब्राउन हो गए हैं, ये देखिए, बढ़िया। अब ऐसे में अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 2 बड़े चम्मच। 2 मिनट तक भूनिए। इसमें लगभग 4 टमाटर डालिए, मीडियम साइज के चॉप करके। टमाटर थोड़े ज्यादा होने चाहिए, ये दीजिए। अब ये हो गया, इसमें मैं तुल से नमक डालते हैं। नमक डालिए, स्वाद सेहत के अनुसार नमक डाल लें। साथ ही में डालेंगे धनिया पाउडर, ये लीजिए, इसमें 2 बड़े चम्मच। धनिया थोड़ा ज्यादा डलता है ऐसी चीजों में। थोड़ी सी हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच, ठीक है जी। कश्मीरी लाल मिर्च, ये लीजिए, ये लगभग 2.5 छोटे चम्मच डालिएगा। अच्छा, नॉन स्पाइसी वाली होनी चाहिए, ये आपने डाल ली। अब इसको भूनिए, थोड़ा सा दही डाल लें इसमें। दही से 2 काम होता, एक तो थोड़ी सी ग्रेवी रिच होती, दूसरा जो मिर्चें होती ना थोड़ी सी टोन डाउन होती, खटास भी आ जाती है, ठीक है। ये रहती ग्रेवी, बढ़िया बनेगी। भूनिए 4-5 मिनट तक। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं इसमें, लगभग 1 कप पानी डालें ताकि टमाटर और सारी चीजें बढ़िया गल जाए। ढक्कन लगा के पकाते हैं। मेरे पास इसी कढ़ाई का बढ़िया ढक्कन है, वैसे अब मुझे अपना यूनिफॉर्म भी बचाना है और सफाई कौन करेगा, ढक्कन में छींटे उड़ती है ना। तो ये धीमी आंच पे बिल्कुल मैं इसको पकाता हूँ, तब तक एक काम करते हैं, ये जो चिकन हमने मैरिनेट किया इसको स्क्यूअर्स में डाल के हम ग्रिल पैन की तैयारी कर ले। चिकन ले लेते हैं, तो चलिए चिकन टिक्का मसाला जो है उसकी ग्रेवी, ये देखिए बहुत सुंदर पक गई है, मजेदार। धीमे आंच पे मैंने रखा, इसको मैं फिनिश करूंगा लेकिन चिकन टिक्का पकाने के बाद, इसको अलग रख लेते हैं। ये लीजिए, ये मैंने अपनी कढ़ाई अलग रख ली। थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं और हम अपना ये जो चिकन है ये पैन में ग्रिल करेंगे। आप चाहें तो जी में भी ग्रिल कर सकते हैं। ओटीजी में ग्रिल करने के लिए आपको लगभग 180 डिग्री पे, ठीक है, प्री हीट करना है ओटीजी, और उसके बाद 20 मिनट तक पकाना है। ऊपर वाला फिलामेंट, नीचे वाला फिलामेंट और फैन ऑन, ये वाले मोड पे आपने पकाना है 20 मिनट, ठीक है। चलिए, तो ग्रिल पैन रेडी। अब इसमें ये जो पीसेस है ये डाल लेते हैं। तो जी, ये जो चिकन है ये बढ़िया तरीके से ग्रिल हो गया। थोड़ी सी कसर बच भी गई हो तो चिंता मत करिए, ग्रेवी में थोड़ी देर हम पकाएंगे ताकि ग्रेवी जो है उसमें भी थोड़ा फ्लेवर चिकन का आ जाए। बहुत बढ़िया ग्रिल मार्क्स हो गया। जब आपको कभी ग्रिल करना हो घर पे ना, तो ऐसे ग्रिल पैन होंगे आपके पास, मज़ा आ जाएगा। बहुत बढ़िया ग्रिल होते हैं, स्मोकी फ्लेवर मिल जाता है आपके ग्रिल्स को। ये लीजिए, वाह, ये सुपर। इसको हटा लेते हैं, अपनी कढ़ाई को वापस ले आते हैं। कढ़ाई आ गई है, अब कढ़ाई में मैं थोड़ा सा पानी वापस डाल देता हूँ। ये लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल लें आप। ये लीजिए, इसमें अब हम अपने ये जो टिक्का है ये डाल लेते हैं। ये लीजिए, क्या बात है, ग्रिल पैन अलग। अब फिनिश करने के लिए थोड़ा सा जिंजर के लच्छे, अदरक के लच्छे डाल लें, ये 2-4 स्लिट, 2 हरी मिर्चें स्लिट करके डाल लें। अगर आपको नहीं अच्छा लगता, आपको लगता है कि बहुत स्पाइसी नहीं खाते तो ना डालें। कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच ये डाल लें,
फ्रेश क्रीम आधा कप डालना है आपने, डेरी फ्रेश क्रीम, ठीक है। वाह, अब आ गई चिकन टिक्का मसाला में बढ़िया जान, ये लीजिए। सुपर, तो मेरी डिश बिल्कुल तैयार है। मैं अपना इंडक्शन बंद कर लेता हूँ, तो मेरी डिश तैयार है और मैं अपना इंडक्शन बंद कर लेता हूँ और परोसने की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए ये लीजिए और ये चिकन टिक्का मसाला, वाह। फाइनली ये हरा धनिया रखें इस पे, वाह। पराठा लें, पूरे परिवार को डाइनिंग टेबल पे बिठाएं, सजा दें, चिकन टिक्का पराठा, लच्छा प्याज, हरी मिर्चें, ये सब लें और परिवार पूरा मजा लें। भाई रेसिपी इतनी आसान है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। और